मैं पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कभी कभी लगता है कि ईश्वरीय शक्तियां भी भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करती रहती हैं। और यह अपने आप में कुछ विशेष बात होती है। अन्यथा इस भूमि पर भारत देश में अपने समाज में दो महापुरुष बहुत कम समय के अंतराल से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। एक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी हैं, एक पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं। एक 1889 है, एक 1891 है, ज्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों के नाम के सामने डॉक्टर लगाया जाता है, परंतु डॉक्टर हेडगेवार जी ने कभी स्टेथोस्कोप हाथ में नहीं लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी वैद्य की शास्त्र के ज्ञाता तो नहीं थे, लेकिन दोनों ने चिकित्सक का काम तो अवश्य किया है, समाज के बीमारियों को समझा, रोगों का निदान किया है। और निदान करने तक केवल सीमित नहीं रहे तो उसकी चिकित्सा करते हुए एक श्रेष्ठ समाज का स्वास्थ्य बना रहे, इसलिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। ऐसे ये दो महापुरुष थे। उसके मैंने कहा कि एक ही समय लगभग इस भूमि पर आए। जब हम और आगे का भविष्य का और आगे का जब हम बात देखते हैं तो ध्यान में आता है कि शायद गलत नहीं होगा कि 1924 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने कार्य का प्रारंभ किया, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में अपने कार्य का प्रारंभ किया है। ये अपने आप में एक संयोग है। और दोनों ने अपना उद्देश्य एक ही रखा है। पूजनीय डॉक्टर जी और पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर कभी परस्पर मिलकर विचार किया होगा बस पता नहीं, इसका इतिहास देखना पड़ेगा, लेकिन काम दोनों का एक प्रकार का रहा है। इस समाज का उत्थान हो, समाज निर्दोष बने, इस समाज के अंदर शक्ति है उस शक्ति का जागरण हो, विश्व के सामने भारत अपने सारी क्षमताओं के प्रतिभाओं के साथ खड़ा रहे और उसके अंदर उसके निर्माण में आने वाली सब प्रकार की कठिनाइयों को बाधाओं को दूर करे, यही तो दोनों के जीवन का संकल्प रहा है। और इस दृष्टि से यह आज का दिन भी महत्वपूर्ण है, इस समय का कालखंड भी महत्वपूर्ण है। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के 125वां जन्म वर्ष गत वर्ष मनाया गया, अंबेडकर जी का इस वर्ष मनाने जा रहे हैं। जैसा नरेंद्र दादू जी ने कहा कि बहुआयामी व्यक्तिमत्व, शायद लोगों ने उनको समझा ही नहीं, और जो समझा वो केवल एक सीमित मात्रा में समझने की कोशिश। और इसलिए अगर कुछ आवश्यकता है तो एक इस महामानव के जीवन का समग्रता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने जो जो भी विचार रखे होंगे, जो जो भी कार्य किया होगा, जो जो भी कदम उठाए होंगे, उन कदमों का उन विचारों का गहराई से अध्ययन करते हुए उनके मार्गदर्शन पर ये देश चले, इसकी आवश्यकता है। उनके वर्ग विशेष के नेतृत्व नहीं था, नरेंद्र दादू जी ने उल्लेख किया उसका, केवल संविधान के निर्माता नहीं थे ये भी हम जानते। हाँ निश्चित है एक बहुत बड़ा योगदान संविधान के निर्माता के रूप में उनका रहा है, बाल्यकाल से जीवन के अंतिम क्षणों तक कई प्रकार के अन्यायों को सहन करते हुए भी
इस समाज के प्रति प्रेम का भाव रखना इतनी आसान बात नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन हम देखते हैं कि कई प्रकार के अन्यायों से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अन्यायों को सहन करने के बाद इस समाज के साथ विद्रोह कर सकता है, परंतु पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन ये समाज के विद्रोह के रूप में नहीं रहा तो समाज सुधारक के रूप में रहा है। कितनी उपेक्षाएं सहन की होती। भारत रत्न ऐसे ही सम्मान पूर्वक पदक पुरस्कार सम्मान प्राप्त करने होने के लिए भी 1990 तक रुकना पड़ा है देश को। मैं केवल संदर्भ देना चाहता हूं उनको, जिसको मिला उसके प्रति कोई मन के अंदर उपेक्षा की भावना नहीं, जिनको मिला वो सम्मान के पात्र ही है, परंतु इस देश में मदर टेरेसा जैसी महिला को भी अंबेडकर जी के 10 वर्ष पूर्व भारत रत्न दिया गया है। ये सोचने का विषय है। कैसे इस देश ने, इस समाज ने इस महामानव के जीवन को समझा है। मैं समझता हूं कि उनका जीवन केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं होगा, तो उनके जीवन का अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है, उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। कहीं पर भी उनके जीवन में नकारात्मक को स्थान नहीं है, सारा सकारात्मक, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चले हैं। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कभी कठोर भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन कठोर भाषा का प्रयोग तो मां भी बच्चे के लिए करती है। मां कठोर नहीं होती, और इसलिए अगर उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ कहा होगा, तो उस मातृभाव से निकला हुआ विचार है ऐसा समझकर समाज ने उसको ठीक ग्रहण करने की आवश्यकता है। लेकिन कई प्रकार के उनके जीवन को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चलती रही, उनको कहीं पर छोटा छोटा रूप दे दिया, बांट दिया गया। आजकल भी कहीं हम जब सुनते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती कौन मनाएगा, ऐसा प्रश्न कहाँ उठता है, समाज क्यों नहीं मनाएगा, ने किन के हैं, ये प्रश्न आता है बार बार। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, परंतु सामाजिक समूह में तो उनको बांट दिया है कि ये इनके नेता है। मैं समझता हूं कि इस भूल को, इस कमी को सुधारने की, दूर करने की आवश्यकता है। जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी वेदनाएं क्या है। वो अपनी वेदनाएं प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इतना श्रेष्ठ समाज है, इसका चिंतन इतना श्रेष्ठ है हिंदू समाज का, कि दुनिया के कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचार इसके सामने टिक नहीं सकता। इतना श्रेष्ठ है, वाद विवाद के लिए बैठेंगे, चर्चा के लिए बैठेंगे, समझाने के लिए बैठेंगे, कोई उनके सामने टिकने वाला नहीं है। इस प्रकार का श्रेष्ठ तत्व ज्ञान अंबेडकर जी वेदना प्रकट कर रहे हैं, उस सिद्धांत के प्रतिकूल, उस सुसंगत व्यवहार नहीं है, विसंगत व्यवहार है, उसके प्रति वो वेदना प्रकट कर रहे हैं। उनकी जो अंतकरण की वेदना है, वो कहते हैं एक जगह पर, अगर ये समाज सारा अपने सिद्धांतों के अनुरूप चलेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। इतना श्रेष्ठता है। ये तो क्यों है, क्यों अन्याय होता है इस समाज के अंदर। आत्मवत सर्वभूतेषु कहने वाला समाज अपने ही समान दिखने वाले व्यक्ति के साथ शोषण का, अन्याय का, अपमान का, उपेक्षा का व्यवहार क्यों करता है, इस प्रश्न उठा रहे हैं। अगर उनका हम जीवन देखेंगे तो उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न समाज के सामने विचार करने के लिए रखे हैं, उन प्रश्नों को समझने की आवश्यकता रहेगी। क्यों नहीं सहभागिता, क्यों नहीं है समाज में, हमें सम्मान क्यों नहीं,
इस प्रकार की उपेक्षा क्यों है? इसलिए कई प्रकार के प्रश्न उन्होंने उठाए और इसलिए वो अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदू समाज अपने सिद्धांतों के तत्व ज्ञान के प्रकाश में उससे सुसंगत व्यवहार करे। आज भी हम देखते हैं कि उस प्रकार की विसंगतियां आज भी समाज जीवन में है। मैं समझता हूं कि पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मरण करना यानी उन विसंगतियों से लड़ने की ताकत प्राप्त करना है, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने ही लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब लड़ाई नहीं होती, मन के साथ भी संघर्ष होता है, कोई शारीरिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं। और इसलिए यह एक वो कहते हैं कि उनके चिंतन में भी कितनी स्पष्टता हमको ध्यान में आती है कि समाज जिस दिन एक रस बन जाएगा, जो नरेंद्र दादाजी ने बात कही कि भाषाओं के आधार पर प्रांतों की रचना की कभी बात चली होगी तो उन्होंने अलग प्रकार के विचार रखे। मैं समझता हूं कि संघ के नेतृत्व ने भी उस समय ऐसे ही प्रकार के विचार रखे थे कि भाषाओं के आधार पर प्रांतों की रचना नहीं, प्रशासकीय सुविधाओं के अनुसार करनी चाहिए। पर इस बात की उपेक्षा हुई, अंबेडकर जी के विचारों की भी उपेक्षा हुई, सुझावों को माना नहीं गया। वो जो समस्या आज हम अनुभव करते हैं कि भाषाओं के आधार पर बने हुए राज्य भाषाओं के आधार पर एक एक तो नहीं रहे, टूटते गए, लेकिन एक समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने कहा था कि अगर ये समाज एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ ये समाज अगर एक होकर खड़ा रहता है तो इसकी एक रसता की बात, समरसता की बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी बार बार हम सबके सामने रख रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि निर्दोष समाज व्यवस्था बननी चाहिए, क्योंकि सारे आंदोलनों का जब हम स्वरूप देखते हैं तो उनके सारे आंदोलन यह समाज के कुरीतियों से समाज को मुक्त करने के लिए है, न कि समाज में संघर्ष निर्माण करने के लिए। वास्तव में संघर्ष निर्माण किया जा सकता था, इस प्रकार का उनका जीवन उपेक्षाओं से भरा हुआ रहा है। अगर वो संघर्ष के रास्ते पर ले जाते तो शायद उनको दोष देने का हमको किसी को अधिकार नहीं था, किसी को अधिकार नहीं, लेकिन ये हुआ।